अमेलिया में माँ भगवती को बुलाया है और माँ आदिशक्ति महारानी की चौकी सजी, एक बार जोरदार तालियां बजा दे महामारी के लिए, जोरदार तालियां। और हमारे सभी मुख्य अतिथि सर लोग का प्यार है, आशीर्वाद है। तो आइए, माँ की नवरात्रि जो होती है, माँ की नवरात्रि साल भर में कितनी आती है, कितनी आती है? एक शारदीय नवरात्रि होती है जो अभी चल रही है, और एक नवरात्रि होती है चैत्र की नवरात्रि। तो एक बार माँ के लिए जोरदार तालियां बजा दे प्रेम से बोलो, बोलो सांचे दरबार की। और देखिए, हम चाहेंगे माताएं बहनों से प्रार्थना है कि इस भजन के बाद भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? तो उनके साथ हम नाच गा के डांडिया करेंगे, गरबा करेंगे। कहते जब खुशियों के दिन होते हैं तो माँ के प्यारी के साथ हाजिरी लगानी चाहिए, माँ माई के चरणों में हाजिरी लगानी चाहिए। प्रेम से बोलो सांचे दरबार की जय। आप भी बोले जय माता जी, सांचे दरबार की हो। चैत महीना और अश्विन में आते माँ की नवरात्रि, मुमानार उनको मिलता जो दर्शन करने जाते। एक बार प्रेम से बोलो साचे दरबार की, और ताली के साथ कहेंगे आते हैं हर साल लगाते माता के
पंचमी नवरात्रि में पांडव ने मां का भगवान सजाया और ध्यानु जी ने मां को क्या चढ़ाया था? ध्यानु जी ने ध्यानु भगत ने मां को क्या चढ़ाया था? अपना शीश चढ़ाया था। तो प्रेम से बोलो सांचे दरबार की, सेवा बोलो शारदा मैया की। जैसे आला उदल ने माँ शारदा की सेवा की, वैसे ध्यानु भगत ने माँ वैष्णो की सेवा की। तो पंचमी नवरात्रि पांडव ने माँ का भवन सजाया और छठी नवरात्रि ध्यानु जी ने माँ को शीश चढ़ाया। जय माता दी, जय माता दी, अच्छा एक बार दोनों हाथ लगा के सभी लोग मिलके बोले, प्रेम से बोल, मिलके बोल, प्रेम से बोल, आते हैं हर साल।